अहिंसा यात्रा प्रणेता महातपस्वी तेरापन धर्म संघ के 11वें आचार्य श्री महाश्रमण का अपनी धवल सेना के साथ शुक्रवार को निम्बाड़ा में भव्य और ऐतिहासिक मंगल प्रवेश रहा। भक्ति और शक्ति के कल्याण नगरी निम्बाड़ा में उक्त प्रवेश भव्य होकर नगरवासियों के लिए धर्मलाभ के साथ यादगार बन गया। आचार्य श्री महाश्रवण 51,000 किलोमीटर की अहिंसा पदयात्रा पूर्वांचल और दक्षिणांचल की यात्रा करने वाले पहले आचार्य हैं। आचार्य श्री के स्वागत अभिनंदन में प्रशासन, नगर पालिका, तेरापन संघ के अनुयायियों सहित संपूर्ण जैन समाज और नगरवासियों ने पलक पावड़े बिछा दिए। आचार्य श्री का स्वागत सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, सांसद चंद्र प्रकाश जोशी, पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी आदि जनप्रतिनिधियों ने आचार्य श्री का स्वागत कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। आचार्य श्री महाश्रमण ने अपने संदेश में बताया कि सफल जीवन और राष्ट्र निर्माण हेतु प्रत्येक व्यक्ति में सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्त जीवन का होना अति आवश्यक है। बताया गया कि आचार्य महाप्रज्ञ और आचार्य तुलसी का भाषा योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका राजस्थान की भाषा और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनका मेवाड़ की धरा पर कई सालों बाद आना हुआ है। उल्लेखनीय है कि आचार्य महाश्रमण का आज से 10 वर्ष पूर्व राजसमंद जिले में चातुर्मास हुआ था। इसके बाद पुनः मेवाड़ क्षेत्र में अब फिर आना हुआ है। आचार्य श्री ने बताया कि वे यहाँ के लोगों की धर्म, आस्था, समर्पण और सेवा भाव से अभिभूत हैं। एक दशम अधिशास्ता पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण का अपनी धवल सेना के साथ नगर में मंगल प्रवेश मध्य प्रदेश के नया गांव से राजस्थान की सीमा पर शुक्रवार को हुआ, जहां सकल जैन समाज सहित विभिन्न समाजजनों व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना उपखंड प्रशासन की अगुवाई में भव्य स्वागत हुआ। रेलवे पुलिया से मोतीबाव जी चौराया, करोड़ीवाल भवन, इंदिरा कॉलोनी चौराहे से बस स्टैंड परिसर होते हुए LIC ऑफिस के पास से कल्याण चौक, आरके कॉलोनी, आमलिया बाबूजी रोड होते हुए मंगल प्रवेश हुआ। जेके सीमेंट के लाला कैलाश पर सिंघानिया स्कूल परिसर में आचार्य महाश्रमण का प्रवास स्थल रखा गया। जेके स्कूल में रात्रि विश्राम के बाद 10 जुलाई को प्रातः 6:15 बजे आचार्य महाश्रमण चित्तौड़गढ़ मार्ग पर ऐसे सतखंडा की ओर विहार करेंगे। आचार्य महाश्रमण के मंगल प्रवेश की अगवानी एवं उनके दर्शन करने के लिए देश के विभिन्न स्थानों चेन्नई, हैदराबाद, पूना, सूरत, अहमदाबाद, अकोला, जयपुर, बाड़मेर सहित राज्य के विभिन्न स्थानों के साथ ही मेवाड़, मालवा के कई शहरों, नगरों से श्रद्धालुओं का तांता देखा गया। अरे सर,